अभी हमारे साथ जो ये तीन युवा आपको दिख रहे हैं मित्रों, ये तीनों युवक साइकिल से केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं। आसाम से केदारनाथ तक ये साइकिल से जाएंगे। ये तीनों युवाओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी साइकिल है, और इसी साइकिल से जो है ये जो है आसाम से निकले और केदारनाथ तक इनकी यात्रा होगी इसी साइकिल से। और तीनों युवकों की जो उम्र है वो ज्यादा नहीं होगी, 18 और 20 के करीब या 19 या 21 के करीब होगी लगभग। क्या नाम हुआ आपका? जी वशिष्ठ सैया। कहाँ से निकले हैं? आसाम के जोरहाट से। आसाम के जोरहाट से। और कहाँ जाएंगे? केदारनाथ। केदारनाथ तक जाएंगे। तो केदारनाथ, आसाम से केदारनाथ साइकिल से क्यों जा रहे हैं? ट्रेन से भी जा सकते, जहाज से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, साइकिल से क्यों जा रहे हैं? साइकिल से पहली बात तो प्रदूषण नहीं होता है, उससे भी पहले हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हाँ। इसलिए हम साइकिल से ही निकल गए। तो साइकिल से जा रहे हैं। हाँ। कितने दिन में यात्रा तय करेंगे? हम लोगों का करीब करीब 45 दिन का ये सफर है। 45 दिन तक साइकिल चलाएंगे। हाँ। और रुकेंगे कहाँ? पुलिस स्टेशन। हाँ। मंदिर। हाँ। पेट्रोल पंप। हाँ, वही पर रुकेंगे। हाँ। कब निकले थे आप आसाम से? 20 तारीख को, अप्रैल को 20 तारीख को। अप्रैल को 20 तारीख को। 20 अप्रैल को निकले थे। हाँ। कब तक पहुंचेंगे केदारनाथ? लगभग हम लोग 20 मई तक पहुंच जाएंगे। 20 मई? 20 मई तक पहुंच। हाँ, जाएंगे। हाँ। ये लोग 20 अप्रैल को निकले थे और 20 मई तक पहुंचने के इनके चांस हैं। और ये यात्रा जो है काफी लंबी है, क्योंकि आसाम से केदारनाथ तक जाएंगे। अभी ये लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये बताइए जो आसाम से और यहाँ कितना दूर अभी तय कर लिए हैं? अभी 1500+। 1500 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर। 1500। और कितना अभी जाएंगे? और 1500 किलोमीटर बाकी है। 1500 मतलब 3000 किलोमीटर का पूरा एरिया है वो कवर करेंगे। तो 3000 किलोमीटर 40 दिन में। 40-45 दिन। 40-45 दिन में। क्या करते हैं आपके माँ बाप, क्या करते हैं? मेरा पापा का दुकान है। हाँ। जेरॉक्स का। उन्होंने मना नहीं किया कि बेटा दुकान पे काम वाम करो, कुछ इनकम होगा, ये पैदा ये साइकिल से यात्रा करिए, क्या चूतिया आपा कर रहे, ये सब नहीं बोले थे? नहीं बोले थे। तो ये जो है कोई विजन के साथ जा रहे हो या ऐसे उठाया चल दिया? पहला तो केदारनाथ जाने का सपना भी था। हाँ। दूसरा बात है, अब लोग 2 साल पहले क्या आया था, कोरोना वायरस आया था। हाँ। किसके उसके प्रॉब्लम क्या हो गया कोरोना वायरस की वजह से, ऑक्सीजन के बहुत सारा लोग चला गया यहाँ से। हाँ। तो पहला बात है ऑक्सीजन ज़रा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बेड रहना पड़ेगा। तो हमारा मैसेज भी है सेफ्टी सेफ आर्ट। अच्छा, पहला मैसेज है। हाँ। तो रुकते हैं आप बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, यही सब जगह रुकते हैं? हाँ, हाँ। पेट्रोल पंप पे। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी वाटर सप्लाई में काम करते हैं, पानी सप्लाई में। तो तुम्हारा कमाने का उम्र है, कुछ DM FDM तुमको बनना चाहिए, तो तुम यात्रा वात्रा काहे कर रहे हो सब? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, इन दोनों का है। अच्छा, इन दोनों का यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने के लिए बनाओ या यात्रा दिखाने के लिए? नहीं, यात्रा और मेमोरीज के लिए। मेमोरीज के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी नहीं है। नहीं आपके पिताजी, क्यों? एक्सपायर कर गए? कैसे मतलब देहांत हुआ, कुछ बीमारी उमारी हो गई थी क्या? हाँ, बीमारी हुए थे। अच्छा, 2 साल पहले उसका मृत्यु हो गया था। इनके देख सकते हैं तिरंगा है, और यहाँ पर इन्होंने जोरहाट टू केदारनाथ साइकिल राइड से इन्होंने यात्रा की हुई है। इनकी साइकिल भी आधुनिक युग वाली तो नहीं है, लेकिन ये साइकिल पुरानी है, 22 इंच की साइकिल है, और ये वही साइकिल है जो सब लोग यूज करते हैं, यानी नॉर्मल साइकिल। तो पैर वैर में दर्द नहीं करता है? नहीं। हाँ। जब मन में शक्ति हो ना। हाँ। तो किसी भी मतलब परेशानी आपको रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हाँ। मन में शक्ति हो तो। हाँ, हाँ। तो जरूरत का हर सामान साथ में लेके? हाँ, सब है। पैसा लेते हो या पैसा ऐसा किसी से मतलब रास्ते में लेते? हाँ, हेल्प ले लेकर, मतलब हेल्प ले लेकर। हाँ, मतलब अपना पैसे से नहीं, अपने पैसे से, हेल्प से। हाँ, हेल्प से। चलिए, हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, रुके हैं तो, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो और अच्छी हो, इसलिए हेल्प करेंगे। तो ये हेल्प लेते हुए आप लोग जाएंगे, घर से पैसा नहीं ले रहे? घर से नहीं। क्या क्या सामान है इसके अंदर? सब कुछ है, जरूरत की सब कुछ है। हाँ? जरूरत की सब कुछ है, जरूरत का हर सामान है। हाँ, सब है। दर्द वर्द करा कभी, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, चोटी लोटी तो नहीं? नहीं, नहीं। चलिए, ये तीनों लोग जो है ये यात्रा करते हुए, पीछे बढ़ाइए उसको, यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। या जब रास्ते से जा रहे थे तो हम सोचे इनके क्यों ना इस क्रियाकलाप को दिखाया जाए। क्या बोन ऑन बीटा भी लेकर चलते हो? नहीं नहीं, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन वगैरह रास्ते में जो भी मिल जाता है ना वो खा ले रहा हूं। रास्ते में गन्ने का रस, हाँ, ऐसे वो सब पीते हो? मैंगो जूस। हाँ। मतलब घर वालों ने मना नहीं किया यात्रा से? नहीं, अपना ही इसी से चलते हो। ये थोड़ा साइकिल आधुनिक युग वाली, इसको लाइए आगे। क्या क्या रखे हो साइकिल के अंदर? साइकिल के अंदर टेंट वगैरह है। हाँ। कपड़ा है थोड़ा। हाँ।
और आपका ये रेनकोट है, साउंड सिस्टम है और पंप है, ये सब सारा हम। अभी ये पहली यात्रा जीवन की या इससे पहले भी यात्रा? नहीं, पहले आसाम के अंदर ही था, सारा डिस्ट्रिक्ट घुमा, उसके बाद ही आसाम के बाहर आ गए। तो आसाम से? हाँ। अच्छा, ये आसाम से कैसे कैसे बांग्लादेश? पहले आसाम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिहार से यूपी, यूपी से फिर सीधा उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही केदारनाथ है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, एक्चुअल में दिखाने के लिए हम लोग आए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर मत जाओ, बाहर का आदमी लोग ऐसा ऐसा है, तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेगा, ये सब वो नहीं होने से वो कैसे दिखाएंगे हम लोग, सोचा था। आज हम आ गया, होटल में नहीं रुका, आज हमने थाना में रुक गया, मंदिर में रुक गया, तो हम लोगों का कोई दिक्कत होने से हम लोग ब्लॉग में डालते हैं, दिखाते हैं असम के लोगों को हम कैसे सॉल्व किया वो प्रॉब्लम। हमारा रास्ते में पंचर निकल गया तो पंचर कैसे ठीक किया, रात को पंचर निकलने से कैसे ठीक होगा, यही सब हम लोग ने ब्लॉग बना के दिखाते हैं लोगों को। मतलब लोग मदद करते हैं? हाँ, मदद कर रहे हैं, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को। बहुत अच्छा लगा। चलिए, जो है कुछ सपना है कुछ बनने वनने का, डॉक्टर इंजीनियर आई एस पी सी? पहला तो यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, सपना है यूट्यूबर बनने का, वो तो आप बन गए हो, यूट्यूब पर चैनल बना और आप यूट्यूबर बन गए। ऐसे नहीं, सारे लोग देखने मेरा चैनल देखे। क्या नाम हुआ चैनल का? NLS सोसिन, NLS सोसिन, नेचर लवर सोसिन, सुशील सोसिन, SOCHIN सोसिन। हाँ, NLS सचिन, नेचर लवर सचिन। और आपका? CB मिक्सर, C4 कलकत्ता, B4 बॉम्बे मिक्सर। इन तमाम लोगों के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये युवा है, अच्छा कर रहे हैं, इनकी प्रतिभा है कि भाई केदारनाथ तक जाएं। तो ये पैदल जब जा रहे थे तो इनकी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया, हालांकि ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये किस विजन से कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको दिखाने का एक प्रयास जो है। आसाम का लाल केदारनाथ तक यात्रा करेगा, 3000 किलोमीटर की यात्रा, वो भी 40 दिन में ये लोग कंप्लीट करेंगे। अभी ये लोग आसाम से निकल कर अयोध्या पहुंचे, बाकी ये केदारनाथ की यात्रा जारी रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, इन दोनों लोगों के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।